नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश ठाकुर और आप सभी का स्वागत है रजत ट्रैवलॉग में। तो आज हम आपको ले आए हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की शांत वादियों के बीच अघंजर महादेव की ओर, और तो आपको दिखाते हैं अघंजर महादेव का, यहाँ दर्शन भी करवाते हैं और दिखाते भी है मंदिर। मंदिर के अलावा और भी अट्रैक्शंस है, यहाँ के साइड में नदी है। तो चलिए चलते हैं अघंजर महादेव की ओर। आज बात करते हैं एक बहुत ही शांत वादियों के बीच बसे हुए अघंजर महादेव जी की, जिसे कि शिव दर्शन के लिए भी जाना जाता है और भोले बाबा जी के नाम से भी इस मंदिर को यहाँ पे जाना जाता है। और अघंजर का अर्थ होता है पाप का नष्ट हो जाना। तो आप यहाँ पे धर्मशाला से कुल 8 या 9 किलोमीटर के करीब यहाँ पे आ सकते हो। और ये जो मंदिर है वैसे मेन खनियारा वैली में है, जो कि अपनी स्लेट की एक माइनिंग के लिए भी जानी जाती है और स्लेट फैक्ट्री के लिए भी जानी जाती है, जहाँ पे स्लेट का निर्माण होता है और जिसे हिमाचल का काला सोना भी कहा जाता है। तो खनियारा वैली जो है धर्मशाला से 8 या 9 किलोमीटर के करीब है लगभग। तो आप काफ़ी इजीली यहाँ पे आ सकते हो। और शिवपुर से जो है अपने पर्सनली व्हीकल में आ रहे हो तो पर्सनली व्हीकल में भी आ सकते हो, और शिवपुर से शेयरिंग कैब है उसमें भी काफ़ी आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हो। इसके अलावा मंदिर में मेन अट्रैक्शन यहाँ का बाबा जी का धुना, और मंदिर के एक दो मंदिर यहाँ पे राधा कृष्णा मंदिर भी है, और बहुत सारे शिवलिंग जो है यहाँ पे बनाए गए हैं उनको भी देख सकते हो। और मनुनी रिवर पास में ही है जो कि कल बहती हुई, और यहाँ पे जो तीर्थ यात्री है और सैलानी है उनको एक आरामदायक महसूस करवाती है, जो कि धौलाधार की बीचों बीच से बहती हुई नीचे, कांगड़ा से बहती हुई नीचे एक झील का निर्माण करती है जिसे पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये छोटी छोटी नदियां यहाँ पे पोंग बांध से मिलती है। और मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हो ये जो मंदिर है धौलाधार की तलहटी के नीचे है, और धौलाधार के ठीक जो ऊपर पहाड़ी है उनके नीचे आप इस मंदिर का नज़ारा भी देख सकते हो। यहाँ पे हम अपने पीछे वाली साइड पे यहाँ पे बाबा जी का धुना है, जिसको कि आप देख सकते हो, जो कि 600 वर्ष पुराना है। इसकी मान्यता है, इसकी जो इतिहास है बाबा गंगा भारती से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा मंदिर के अलावा बाहर पानी के सोर्सेज भी है, जहाँ पे आप पानी भी पी सकते हो। और यहाँ पे मंदिर बनाया है छोटे छोटे, जो कि बहुत ही सुंदरता है इस स्थान के बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अघंजर महादेव सेवा ट्रस्ट के सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे अघंजर महादेव मंदिर बारे में और इतिहास के बारे में, और क्या क्या इनका प्लानिंग रहती है इस मंदिर को सहेजने के लिए। तो इनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राम स्वरूप बुधवारी। बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ। शुरू में यहाँ बाबा गंगा भारती जी का स्थान है। बहुत तपस्वी, करीबन 550 साल पहले वो यहाँ तपस्या करते थे। बहुत ही तपस्वी और सिद्ध पुरुष थे वो।
उनका धुना अखंड धुना चलता है। जब वो वहाँ यहाँ थे तब भी यहाँ पे अखंड धुना था, उसके बाद 550 साल हो गए हैं वो अखंड धुना वैसे ही चल रहा है। सामने जहाँ हम बैठे हैं कमेटी के सामने जो मेन मंदिर है मेन हमारा, वो श्री गंगा भारती जी का है और इस स्थान को श्री गंजर महादेव के नाम से जाना जाता है। बहुत लोगों की आस्था है और यहाँ पे बाबा जी का बहुत आशीर्वाद रहता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सदियों पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा चला हुआ है और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आए यहाँ पे, उन्होंने टाइम टाइम पर आकर तपस्या की है और जो भी आता है बड़ा आनंद मिलता है, सुकून मिलता है जिंदगी का। जब भी कभी आप बैठेंगे शाम को आ जाएंगे तो बहुत सुकून मिलता है। मंदिर तो बहुत होते हैं लेकिन ऐसे सुकून का साथ में बड़ी चल रही है, सुबह शाम आरती होती है यहाँ पे, भंडारा चलता है शिवरात्रि के बाद, और भी कई रिलीजियस प्रोग्राम जो भी होते हैं इस मंदिर में होते रहते हैं। और सब और सर से भी हम बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम सुभाष, तो सर आप भी कुछ दो सब इस मंदिर में। हरिद्वार से 3 महात्मा चले थे जिनमें 2 का मुझे ज्ञान है और तीसरे का मुझे पता नहीं है। तो एक तो यहाँ बाबा गंगावा जिन्हें अपना धुना चेतन किया और दूसरा सिद्ध बाड़ी में दूसरा महात्मा जी वहीं बैठे। तो यहाँ की प्रकृति जो वृक्ष यहाँ है वहीं सिद्ध बाड़ी में है, मतलब वहीं का वहाँ भी अखंड धुना था लेकिन वो चल नहीं सका और यह चलता रहा। अतिशय महात्मा जी बताते हैं कि पानीपत में बैठे हैं। धन्यवाद। एक महात्मा जी और भी हैं आए थे यहाँ जी सर, जिनका लखियान बाबा नाम था। तो उन्होंने बिना बाबा गंगा भारती के परमिशन से जंगल में चले गए थे और अपने सेवकों को बोला कि लकड़ियाँ काट के लाओ। जब वो लकड़ियाँ काट के लाए तो आगे उनको मंदिर के चौक जो पहरेदार थे जो मंदिर के रक्षक थे शेर, उन्होंने उनको रोक लिया जी सर। फिर जो लखिया बाबा जी थे वो समझ गए कि मैंने महात्मा जी से परमिशन नहीं ली है। फिर वो बाबा गंगा भारती जी के पास आए, उन्होंने क्षमा मांगी और कहा मैं बिना आपकी आज्ञा के मंदिर में प्रवेश कर गया था, मुझे लकड़ी लाने की आज्ञा दी। उन्होंने जैसे आज्ञा दी वो शेर जो थे वहाँ से गायब हो गए और उनकी यहाँ भी आज भी समाधि है और बहुत सुंदर बैठने का स्थान है वहाँ बाबा लखिया जी का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सदस्य है ट्रस्ट के, तो सर आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र, पहले तो मैं आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ। ऐसा है कि शुरू में ये बिल्कुल ही जंगल हुआ करता था जी सर, तो यहाँ पर आबादी भी नहीं थी, 5-7 घर ही हुआ करते थे। तो बाबा गंगा भारती जी महाराज इस जंगल में तपस्या करते थे जी सर। तो फिर बाद में लोगों को पता चला कि यहाँ कोई बाबा बैठे हुए हैं, तो फिर उनके पास लोग आने शुरू हुए। तो ये जो खंड धूना चलता है, यहाँ बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, ये धूना वगैरह कुछ नहीं था, पेड़ के नीचे रहते थे। तो वो यहाँ से विभूति देते थे और ठीक हो जाते थे। फिर इनकी ख्याति जो है आगे आगे पहुँचती गई। तो एक बार महाराजा रणजीत सिंह आए, उस वक्त पंजाब का राज हुआ करता था मध्य प्रदेश में भी जी। तो उनके पेट में दर्द थी, तो उन्होंने बाबा जी से मिले और उनको भी इसी धूने से विभूति दी गई और वो ठीक हो गए। और क्या हुआ कि राजा जी ने उनको एक दसाला भेंट किया जो राजा जी ने दिया होता था। हाँ जी, तो बाबा जी ने चिमटे से उठाया और धूने में उसको जला दिया। तो राजा साहब ने सोचा, महाराजा साहब ने, कि ये तो इतना महंगा मैंने इनको ये दिया और बाबा जी ने जला दिया, इसका कीमत का ही नहीं एहसास है इनको। तो बाबा जी उनके मन के भाव को जान गए और उन्होंने अपने इसी धूने में चिमटा घुमाया और वैसे ही 7-8 दसाले निकाल करके राजा के सामने फेंक के, मेरे को इन चीजों की जरूरत नहीं है, तुझे है तो तू और ले जा सकता है। इसी वजह से राजा बहुत प्रभावित हुए और मंदिर को उन्होंने ये जंगल भी उनके नाम कर दिया और 1800 करनाल जमीन जो है साथ में उनको दे दी। तो इस मंदिर की जो सारी जमीन है लगभग 1800 करनाल है। उसके बाद हजारों साधुओं ने यहाँ तप किए हुए। अभी
इस टाइम भी एक साधु ऐसा है जो 5 साल से कुटिया में तप कर रहा है। इसकी इतनी बड़ी वाइब्रेशन है उस तपस्या की, जो भी यहाँ आता है, जो भी मांगता है, उसकी मनोकामना भी पूरी होती है और हर चीज अगर सच्चे दिल से वो करता है। और 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक डेली लंगर चलता है, जितने आदमी चाहे खाना खा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र अवस्थी है। ने बोल दिया, इसका व्याख्यान है, सभी ने बोल दिया, बस पूरी हमारा व्याख्यान है बस। अघंजर का अर्थ होता है पाप का नष्ट हो जाना। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे महाभारत काल में जो है पांडु पुत्र अर्जुन जी यहाँ आए थे और श्री कृष्ण जी ने उनको यहाँ पे तपस्या करने के लिए, शिव भगवान की तपस्या करने के लिए भी कहा था। तो शिव भगवान की तपस्या करने के बावजूद उन्होंने एक अस्त्र यहाँ पे प्राप्त किया और राजपाट भोगने के बाद दोबारा यहाँ आकर जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी से संबंधित एक और मान्यता यहाँ के लोगों द्वारा ये है कि यहाँ पे जो है महाराजा, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह उस समय जो है ये पंजाब प्रांत के अंडर था, तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी यहाँ पे आए थे और बीमारी के कारण जो है यहाँ पे कुछ समय बिताने के लिए आए थे बाबा गंगा भारती के चरणों में। और कुछ समय के बाद बाबा गंगा भारती के धुने में उन्होंने यहाँ पे नतमस्तक होकर उनकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई थी और उसके बाद उन्होंने खुश होकर बाबा गंगा भारती को जो है दुसाला भेंट किया था। पर बाबा गंगा भारती जी ने उनका दुसाला जो है धुने में डालते हुए उस धुने में से 100 जो दुसाले थे निकाल दिए गए थे, ऐसा कहा जाता है यहाँ के लोगों द्वारा। तो उसी दौरान जो है महाराजा रणजीत सिंह जी बाबा जी की जो माया थी उसको जान गए थे और वो उसी के दौरान जो है उस जो दुसाला उन्होंने बाबा जी को भेंट किया था वो उन 100 दुसालों में से पहचान नहीं पाए और बाबा जी का जो शक्ति थी उनको उसका ज्ञान हो चुका था और उसके बाद वो बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो चुके थे। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ से खुश होकर जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने ठीक और अपनी बीमारी के ठीक होने के चलते जो है यहाँ पे श्री अघंजर महादेव में जो है और बाबा गंगा भारती के चरणों में यहाँ पे जो आधे से ज़्यादा यहाँ की जो ज़मीन थी वहाँ पे भेंट की और यहाँ पे आप आज के वर्तमान जो दौर चल रहा है वहाँ पे देख सकते हो कि अघंजर महादेव बहुत ही विशाल तरीके से यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे लोगों के दर्शन का और एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं जिसमें साल भर जो सैलानी और दर्शक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और बहुत सारे तीर्थयात्रियों के अलावा यहाँ पे टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। और यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है, 500 से 600 वर्ष पुराना है और बाबा जी के धोने का इतिहास भी महाराजा रणजीत सिंह जो प्राचीन जो राजा था उससे संबंधित है। तो आप यहाँ के दर्शन भी कर सकते हो और इसके अलावा मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग बनाए गए और एक आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं जिसमें आप विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग भी देख सकते हो। मंदिर में प्रवेश करते ही बाबा जी का धुना है और एक बहता हुआ झरना है जो लगातार बहता हुआ ही है, छोटा सा तलाई है और बहुत ही शांतिपूर्वक है। गर्मी के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल एक शांत वातावरण है, आप किसी भी समय इस मंदिर में आ सकते हो। जो झरना बहता हुआ है उसकी कल कल करती हुई आवाज़ को आप महसूस और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे एक मेडिटेशन तौर पे भी यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर सकते हो पूरा दिन। तो उसके अलावा आप सीधे बाबा जी के धुने के पास दर्शन कर सकते हो और वहाँ पे नतमस्तक होते हुए अन्य उससे ऊपर एक और मंदिर साथ में लगते हुए हैं राधा कृष्ण मंदिर, तो वहाँ पर भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हो। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और इसके अलावा राधा कृष्ण की वहाँ पे जो मूर्तियाँ जो है वहाँ पे लगाई गई है और लोग बहुत दूर दूर से वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं और सुबह और शाम के टाइम यहाँ पे आरती भी होती है, तो आप आरती करने के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो। और ये मंदिर जो है धौलाधार ठीक जो है थथारना ट्रैक के नीचे है और धौलाधार तलहटी से लगता हुआ ही है। आप यहाँ पे साइड पे एक रिवर भी देख सकते हो
जो कि यहाँ पे लगातार बहती रहती है, और यहाँ पे एक बहुत ही आकर्षण का टूरिज्म तीर्थ यात्रियों के अलावा एक पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही चार चांद लगाती है, और बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ के हैं, और यहाँ के जो शांतिपूर्ण जो यहाँ का माहौल है उसको देखकर आप यहाँ पे एक आश्चर्यचकित भी हो जाओगे, और आप एक तनाव भरा यहाँ पे महसूस नहीं करोगे, और अपना जो स्ट्रेस है यहाँ पे बिल्कुल बाबा जी के जो शिव भगवान के दर्शन में यहाँ पे पूरी तरह उतार सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग लगे हुए हैं, और साथ ही यहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर भी है नीचे, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की ओर, जहाँ पे जो पांडु पुत्र अर्जुन जी आए थे, और उन्होंने 8 दिन यहाँ पे अपना यहाँ पे अज्ञातवास के दौरान जो है गुप्तेश्वर महादेव का जो है यहाँ पे तपस्या की थी और निर्माण भी करवाया था। तो अभी हम गुप्तेश्वर जो महादेव है उसकी ओर आपको लेके जा रहे हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नीचे है, जो कि यहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है कि इधर बाबा जो गंगा भारती थे उनके द्वारा यहाँ पे तपस्या की गई थी, और उनकी देखरेख में इसका निर्माण जो है यहाँ पे किया गया था, और उन्होंने ही इस जो गुफा का जो है उसको यहाँ पे सहेजा गया। और मेरे ठीक ऊपर जो है आप यहाँ पे शिव भगवान की एक चित्र भी देख सकते हो इस गुफा के नीचे, और ये गुफा बहुत ही छोटी है, और बहुत सारी तादाद में जो है दर्शक यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और ठीक मेरे पीछे आप यहाँ पे मनुनी रिवर भी देख सकते हो, जिसका व्यू यहाँ से काफ़ी मनमोहक है, और हम यहाँ पे शिवरात्रि के दिन भी आए थे और हमने काफ़ी यहाँ पे समय बिताया था, और यहाँ पे महाशिवरात्रि एक शिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व भी मनाया जाता है, और यहाँ पे मेला भी होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, और हमने इस शिवरात्रि में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया था अपने दोस्तों के साथ। तो आप यहाँ पे शिवरात्रि के टाइम भी आ सकते हो, और इस मंदिर की खूबसूरती और यहाँ के शांत वातावरण को, खासकर धौलाधार जो वादियाँ हैं, दोस्तों मैं हर अपनी वीडियो में यहाँ पे धौलाधार वादियों का जिक्र ज़रूर करता हूँ, क्योंकि धौलाधार वादियाँ अपने आप में एक यूनिकनेस है, एक यहाँ का वंडर है, और पूरे धर्मशाला और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है यानी कि वेस्टर्न जो हिमाचल है उसको पूरा कैद किए हुए हैं। तो उसमें हम अपनी वीडियो में आपको धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला या धौलाधार जो वादी है उनको जिक्र करना हम कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि आप जहाँ भी चले जाए धौलाधार वादियों को आप कहीं ना कहीं से निहार ही लोगे और कहीं ना कहीं से देख ही लोगे। तो सामने हम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने और छोटी सी गुफा है जो बाबा गंगा भारती के संरक्षण में देखरेख में बनाई गई थी, और यहाँ पे मनुनी रिवर में आप यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हो, बहुत ही शांतिपूर्वक जगह है। और ये जो मनुनी खड्ड है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला से जो है वहाँ पे बर्फ या ग्लेशियर पिघलने से जो है यहाँ से बहती हुई सीधा कांगड़ा की ओर जाती है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप यहाँ पे बाबा जी बाबा गंगा भारती का एक धुना भी देख सकते हो, जो कि 600 या 700 वर्ष पुराना यहाँ पे बताया गया है, और इसके पीछे मान्यता ये है कि यहाँ पे बाबा गंगा भारती जो है यहाँ पे उन्होंने तपस्या की है, करीब 500 या 600 वर्ष पहले यहाँ पे तपस्या की थी, और उसके पश्चात यहाँ पे उस समय के दौरान जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी यहाँ पे आए थे अपनी बीमारी के चलते हुए, और उन्होंने बाबा गंगा भारती के चरणों में यहाँ पे जो बीमारी को दूर करने के लिए यहाँ पे बाबा गंगा भारती के चरणों में भी वो यहाँ पे रुके हुए थे, तो बाबा गंगा भारती ने अपने धुने से उनकी जो बीमारी थी उनके रोग को जो था दूर कर दिया था, और उसी रोग को दूर करने के पश्चात जो है पंजाब के राजा महाराजा जो रणजीत सिंह थे उन्होंने खुश होकर बाबा गंगा भारती जी को अपना एक दुशाला भेंट किया था, और बाबा जी ने उसी दौरान जो है अपने
धुने में से जो दुसाले 100 दुसाले उस दौरान निकाले थे, और महाराजा रणजीत सिंह जी को उनको पहचानने को कहा था, बट महाराजा रणजीत सिंह उन 100 दुसालों में से किसी एक दुसाले को भी पहचान नहीं पाए, और उसी समय वो बाबा जी की जो शक्ति थी उसको जान गए थे, और बाबा जी ने उनके दुसालों को जो है पूरा एक धुनी में पूरा तब्दील कर दिया था। तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और 500 से 600 वर्ष पुराना ये मंदिर है, और मंदिर के चारों ओर का व्यू आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने बीमारी से जो था, बाबा गंगा भारती जी ने उनको बीमारी से निजात दिला दी थी, उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पे बाबा जी के चरणों में यहाँ पे अघंजर महादेव, जो कि आज की तारीख में जो अघंजर महादेव यहाँ पे बना हुआ है, उस ज़मीन को आप देख भी सकते हो, और उन्होंने ज़मीन जो है यहाँ पे दान कर दी थी बाबा जी के चरणों में, और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इस मंदिर की देख रेख भी बहुत ही बखूबी तरीके से की जाती है। बात करें यहाँ की, तो ये कांगड़ा से कुल दूरी, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो कांगड़ा से इस स्थान की जो कुल दूरी है 17 या 18 किलोमीटर के करीब है, 18 या 19 किलोमीटर के करीब। आप धर्मशाला भी आ सकते हो और यहाँ के लिए डायरेक्टली भी आ सकते हो, बहुत सारी बसेस चली रहती है। तो हिमाचल प्रदेश में आप शिमला से भी यहाँ पे बहुत सारे आसानी से आ सकते हो, जो कि 220 किलोमीटर के करीब यहाँ पे पड़ जाएगा, और चंडीगढ़ सिटी से भी आपको हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी बसेस भी मिल जाएगी, और यहाँ पे दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी वोल्वो बसेस भी चली रहती है, जिसका आप साइट पे या वेबसाइट पे पता भी कर सकते हो। तो आप काफ़ी इजीली यहाँ पे आ सकते हो, और आप अगर बाय ट्रेन जो है यहाँ के लिए आना चाहते हो तो आप पठानकोट तक ट्रेन में आ सकते हो, और ट्रेन पठानकोट के अलावा इस स्थान की जो दूरी है 85 किलोमीटर के करीब है, तो आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हो। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे रहने की, तो एकोमोडेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे बहुत सारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे हिमाचल टूरिज्म की, तो हिमाचल टूरिज्म के 5 यहाँ पे होटल है, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। उसमें होटल द कश्मीर, द धौलाधार, द क्लब हाउस, द भासु, और बहुत सारे होटल है उनमें भी रुक सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे डोरमेट्री की बहुत सारी सुविधा है, जिसमें आप ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसमें भी पता कर सकते हो बहुत ईजिली तरीके से, और पास में यहाँ के बहुत सारे होटल भी है जहाँ पे आप एकोमोडेशंस का यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे खाने रहने का कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों अघंजर महादेव जी के दर्शन, और मंदिर बहुत ही एक शांत वादियों के बीच है, ठीक धौलाधार पर्वत श्रेणी के नीचे है, और यहाँ पे आप जो है थथारना ट्रैक भी जा सकते हो। थथारना ट्रैक के अलावा बहुत सारे ट्रैक भी है जिनको आप कवर कर सकते हो यहाँ पे पास ही। और ये जो जगह है वैसे खनियारा वैली में, ठीक खनियारा विलेज में पड़ती लगती हुई है। तो दोस्तों अघंजर महादेव से नीचे की ओर आते हुए यहाँ पे रीजनल सेंटर, HPU का रीजनल सेंटर भी है, जिसे कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हो, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वैसे जुलाई 1992 में की गई थी, ताकि जो निचले हिमाचल एरिए के जितने भी छात्र हैं यहाँ पे अपनी शिक्षा जो है ग्रहण कर सके, और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अभी PG लेवल के भी चलाए जाते हैं, और यहाँ से आप लॉ भी कर सकते हो, और MPhil के कोर्सेज भी यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। यहाँ पे 1 ईयर कोर्सेज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो गए, और आप यहाँ से कोर्सेज भी कर सकते हो। और ये जो सेंटर है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का जो रीजनल सेंटर है, तो आप मेरे पीछे कैंटीन वाला एरिया भी देख रहे होंगे, और बिल्डिंग को भी आप देख सकते हो, और पीछे धौलाधार की जो धौलाधार रेंज है यहाँ पे अपना एक अलग ही आकर्षण बनाए हुए है। तो इस कैंपस में आप घूम भी सकते हो जब भी आप हिमाचल आ रहे हो, तो ये कैंपस धर्मशाला से 6 या 7 किलोमीटर, महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और अघंजर महादेव से थोड़ा सा नीचे ही है, लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के नीचे ही है। जब भी आप अघंजर महादेव जाते हो तो आपको रास्ते में रीजनल सेंटर खनियारा का जो दृश्य है वो देखने को मिल जाएगा, और ये कैंपस HPU के बाद दूसरा ऐसा कैंपस था जो 1992 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। तो आप रास्ते में जाते हुए और आती बार इस कैंपस को देख सकते हो, और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे चलाए जाते हैं, और यहाँ का जो क्लाइमेट है खासकर धर्मशाला को, वो यहाँ का एक अलग ही पहचान दिलाता है। तो आप जब भी आए तो रीजनल सेंटर जरूर आए। तो दोस्तों कैसा लगा अघंजर महादेव मंदिर का हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
और देखते रहिए रजत ट्रैवल। और मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही डेस्टिनेशन में, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन और पीसफुल एरिया में, और रूबरू करवाते रहेंगे आपको अपने जो चैनल है रजत ट्रैवल के माध्यम से। सो गाइस, दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद।